वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। और आज दिन की शुरुआत कर रहे हैं और आज व्लॉगिंग की शुरुआत कर रहे हैं। आज का हमारा नया व्लॉग जो है गाइस, को यहाँ गुड़गांव में काफी बारिश हो रही है। कल परसों शाम से ही काफी तेज यहाँ पे बारिश मौसम बरसात आ चुका है। दिल्ली NCR में न्यूज में भी देख रहे होंगे आप लोग। एंड यहाँ पे भाई सही बवाल कटाया अभी परसों सुबह में, कल सुबह में सॉरी, हम सो रहे थे एंड बारिश काफी रात से ही हो रही थी एंड तेज बारिश हो रही थी। थोड़ी देर बाद मतलब मॉर्निंग का सुबह 6:30 का टाइम हो रहा था और जाहिर सी बात है उस टाइम में नींद, मॉर्निंग के जो आर्स में नींद आते हैं बहुत अच्छे से सही सो रहे थे हम। अचानक से हमारे बालकनी से पानी हमारे रूम में आ गया क्योंकि हमारे बालकनी का जो सिंक था वो ब्लॉक हो चुका था और उस वजह से पूरे घर में पानी घुस गया और मतलब कि एक लेवल पे हमारे एंकल लेंथ तक वो पूरा पानी आ चुका था। और जिस वजह से मतलब हमें आइडिया लगा, मैगी अचानक से पानी में दौड़ना शुरू कर दिया। जब हमें आवाज आई तब हमें देखा पूरे घर में पानी ही पानी हो रखा है और उस बरसात की वजह से बस हम सुबह सुबह उठ के बस पानी निकालने में लग गए। जैसे मैं करीब आधा घंटा 40 मिनट लगा और सब कुछ साफ हुआ। भाई साहब मतलब ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब ये बस एक छोटे से रीजन की वजह से कि हमारा जो बालकनी है, बालकनी में भी एक सिंक है जो डायरेक्ट कनेक्टेड है एंड वो सिंक जो था वो बेसिकली स्टक हो रखा था और काफी जाम हो गया था और उस वजह से ही मतलब वो चीजें प्रॉब्लम हो कर रही थी और सीधे वो पानी बाहर ना जाके बारिश के सीधे वो कमरे में आ गया हमारे और पूरे घर में ही पानी हो गया। फिर हमने उसे साफ किया और चीजों को फिर सॉर्ट आउट किया मॉर्निंग में, जिसमें हमें करीब सुबह कल हमारा नींद तो खराब हुआ ही हुआ प्लस साथ में हम काफी ज्यादा थक भी गए थे। एंड गाइज वही है, आज हमारा ये न्यू ब्लॉग है, नया शुरुआत है यहाँ पे। हम देखते हैं कि आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग क्या कर सकते हैं और क्या प्लान आउट कर रहे हैं। कुछ शिवानी ने शायद प्लान आउट तो किया है बट मुझे उसने बताया नहीं है क्या करना है हमें, कैसे हम आप लोगों के लिए क्या इंटरटेनिंग या फिर क्या कुछ अच्छा इंजॉयमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। लेट्स सी, थोड़ी देर में मैं फिर कनेक्ट होऊंगा। ओ ये आ गई यहाँ पे। सो गाइस प्लान बहुत ही धांसु प्लान है, बहुत कुछ अच्छा आपके लिए लेके आए हम। सॉर्ट ऑफ एक चैलेंज है तो मैं एक्चुअली अभी जस्ट बाहर गई थी उसको लाने के लिए ही, मतलब आप समझ सकते क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं। एंड गाइस थोड़ा सा आज सुबह से ही मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा था क्योंकि मैगी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। अर्ली मॉर्निंग जब वह उठी उसको वॉमिटिंग होने लगी, मतलब मैं बिल्कुल डर गई थी, घबरा गई थी उसको क्या होने लग गया है, तो बहुत ही ज्यादा वॉमिटिंग होने लगी उसे। कल की वजह से हुआ होगा उसे, हो सकता है क्योंकि कल सुबह एक्चुअली हमारे घर में पूरा पानी 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 सब हो गया था तो वही पूरा मैगी के लिए पूरा स्विमिंग पूल बन गया था एंड शी वाज एंजॉयिंग। तो उस वजह से हो सकता है उसको कुछ ठंडा लग गया, आई डोंट नो किस वजह से क्या हुआ, तो वो शी वाज नॉट वेल बट अभी शी इज फाइन और शी इज प्लेइंग एक्चुअली, उसको भी दिखाया जाएगा। एंड गाइस आपको क्या इंटरेस्टिंग होने वाला वो देखने के लिए वीडियो स्किप नहीं करना है, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। सो गाइज मेरा चैलेंज का टाइम आ चुका है और अब चैलेंज शुरू करने वाले। सो गाइज चैलेंज का टाइम रहेगा 2 मिनट्स का, हम देखेंगे 2 मिनट्स में कौन कितने गोलगप्पे खा सकता है। एंड आई नो मैं तो हारने ही वाली क्योंकि मैं गोलगप्पा नहीं खाती इतना, बट लेट्स सी कौन फिर भी कितना खा सकता है। सो गाइज अभी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट गाइस, टाइम देख सकते हैं अभी बिल्कुल 0:00 पे है तो ये हम 2 मिनट्स का इसमें टाइम रखने वाले हैं। सो गाइस करते हैं शुरू, लेट्स स्टार्ट। टाइम नीचे रख के, सो गाइस अभी हम टाइम शुरू करने वाले स्टार्ट। सेकंड में एक गोलगप्पा खा रहा आदमी। और ये चम्मच से हाथ की तरफ उतरते हुए गाइस मैं तो सोच रही हूं मैंने कितना टेस्टी गोलगप्पा खाया है ना, हम लोग बस फैन हो गए अपने खुद के। अच्छा ये आपने बनाया ना, ये तो आपने बताया नहीं अपने गाइस दोस्तों को। ये खाने में बिल्कुल
दिमाग लगा हुआ है इनका कंपटीशन की तरह। एक मिनट यहाँ हो चुका है पूरा, ऊपर से भरी नीचे से पानी निकल जा रहा, क्या बदतमीजी है यार। गोलगप्पे ऐसे ही होते हैं। और यहाँ 1.5 मिनट हो गया, 30 सेकंड्स रिमेनिंग, और आपने 3 गोलगप्पे खाए अभी तक। गाइस मेरे 4 खा लिए अभी, मेरा 5th है। कोई नहीं, वो तो हम देख काउंट कर लेंगे वीडियो में कि क्या आपने खाया, कितना खाया आपने। और यहाँ 15 सेकंड्स और रिमेनिंग है, तब देख सकते हैं आप लोग भी। चार 3 2 1 और समय समाप्त। आराम से मुंह चबा लो। गाइस बोलो पे बहुत टेस्टी है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, बहुत टेस्टी बना है, मिक्सर बहुत टेस्टी बना है, पानी बहुत टेस्टी बना, नो डाउट। ये सही है, खाने के बाद बता रहे हो कि कैसे बनाया और क्या बनाया। आप खाओगे आपको पता चल जाएगा कैसा बनाया। सो गाइस मेरा चैलेंज तो हो गया यहाँ पे खत्म, मैंने खाया 6 गोलगप्पा, अब देखते हैं कि राहुल कितना खाते हैं। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। गाइस ये है मेरे दूसरे प्लेयर इस चैलेंज के, तो देखते हैं ये कितने गोलगप्पे खा सकते हैं और मुझे हरा सकते हैं कि नहीं हरा सकते हैं। सो गाइस अभी गोलगप्पे भी पड़े हैं, अभी मैंने तो जैसे आप जानते हैं कि मैंने 6 गोलगप्पे खाए हैं, तो लेट्स सी कि ये कितने गोलगप्पे खा सकते हैं। टाइमर सेट कर लो जी जल्दी से, 1 मिनट टाइम सेट हो रहा गाइस, 2 मिनट के ही टाइम में। कूल ठीक है। सो गाइस अभी टाइम को हम स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट। केस गिराना नहीं है भाई नीचे, हाँ पता है सबको। 2 गाइस एक्चुअली मैं ना बहुत मतलब हाइजीनिक तरीके से खा रही थी, नीचे नहीं गिरा रही थी, सब कुछ इतना मेंटेन कर रही थी। ये बिल्कुल जैसे ठेले में खाते हैं ना वैसे खा रहे हैं, सड़क में नीचे गिरता है कुछ भी। 3 हार जाओ। मेरे को लगता है ना इन्होंने वैसे दिन में शायद खाना वाना जान के कम खाया कि इनको गोलगप्पा खाना पड़े, बट खाना तो ठीक के खाया था। अरे कितना हो गया भाई, 4 हो गए, 5 जो आया है मैं तो गिन। सो गाइस टाइम ही अभी तो चल रहा है, मैच ड्रॉ करते हुए छठा गोलगप्पा मेरे मुंह में जाते हुए। गाइज आपने कभी देखा किसी लड़के के गोलगप्पे फेवरेट है, आप प्लीज कमेंट डाउन करके जरूर बताइए। मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड ही पहले ऐसा लड़का है जिसके गोलगप्पे फेवरेट है। गाइज फेवरेट नहीं है लेकिन अच्छे लगते हैं, वही होता है। मुझे 7वां गोलगप्पा मैच में जीतते हुए डूब गया भाई। क्या गोलगप्पे डाल रहे हैं, ये मैगी हम जीत गए। मैगी को भी गोलगप्पा खाना है क्या? मैगी को भी गोलगप्पा मिलेगा, हम जीत गए, अब मिलेगा आपको। वेलकम बैक गाइस, तो चैलेंज हो चुका है कंप्लीट, रात का खाना भी बन चुका है, बस अभी खाएंगे थोड़ी देर में, सोचा व्लॉग की एंडिंग कर लेते हैं। सो गाइस आप बताना कि आपको चैलेंज कैसा लगा, और कितनी ऑनेस्ट हूँ ना, पहले ही बोल देता कि मैं हारूंगी क्योंकि मुझे पता था कि मैं इतना गोलगप्पे नहीं खाऊंगा, और बहुत बड़ा भी रहता है, मेरे से तो मुंह ही नहीं खुलता इतना गोलगप्पा इतना बड़ा डालेंगे। एनीवेज मुझे तो बहुत मजा आया, और बनाने में भी बहुत मजा आया, खाने में भी बहुत मजा आया। आप कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपने, और वीडियो को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है एंड लाइक भी करना है। और गाइज जो वही जो आते हैं और वीडियो देख के चले जाते हैं प्लीज डू सब्सक्राइब। और गाइज ये था आज का चैलेंज, जो कि
प्लान किया था मैंने ही एक्चुअली, तो मैं काफी दिन से डिस्कस कर रही थी उनसे ये करें ये करें, और ही वाज लाइक ठीक है वो बिजी थोड़ा काम में, ठीक है देख लो देख लो। तो मैं फटाक से मार्केट गई और ये सब सामान लेके आई, बनाया, फिर बोला इनको कि चलिए चैलेंज करते हैं आज। इवन कुछ नहीं पता था उनको, उनको लगा जस्ट मैं ऐसी स्नैक्स बना रही हूँ, ठीक है मन कर रहा है मेरा खाने का, बट वही मैंने बिल्कुल चैलेंज में इनको चेंज कर दिया एकदम से कि नहीं इसका चैलेंज होगा। वैसे हमको तो बहुत मजा आया, और अभी तो गोलगप्पे खा के बिल्कुल पेट भर रखा, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है, और 3 गोलगप्पे तो मैगी ने भी खाया। तो आप व्लॉग को एंजॉय कीजिए एंड प्लीज स्टे सेफ, अपने घर पर रहिए, और गाइज वीडियो को लाइक जरूर करना, बार बार मैं आपको बोलती हूँ। एंड गाइज आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, shivani00721 मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, शिवानी में एस कैपिटल है, बट आप स्मॉल भी डालेंगे तो आप सर्च कर पाएंगे। तो गाइज डू फॉलो देयर एज वेल एंड कीप सपोर्टिंग। गुड नाइट गाइज, टेक केयर, बाय बाय।